हेलो दोस्तों, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम टेक में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि MIUI के नए अपडेट में क्या आया है। तो इस अपडेट का वर्जन है MIUI के ग्लोबल बीटा नए वाले जो अपडेट है, अपडेट का वर्जन है 9.8.4.26। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपको इस वीडियो अपडेट में क्या नया देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले की बात बता दूं, पहले खबर मिल रही थी कि अपडेट आएगा नहीं, मतलब फालतू में अब अपडेट दे दिया उन्होंने, तो बहुत अच्छी बात करी है। पर आपको बता दूं, कई फोन्स को अपडेट नहीं मिला, तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि अपडेट नहीं मिल रहा मेरे को, ये वगैरह। तो मेरे रेडमी Y1 में अभी अपडेट नहीं मिला मेरे को, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। अब मेरे को मिला है अपडेट, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और एक सब्सक्राइबर को मैं थैंक्स कहना चाहता हूं, उन्होंने बताया क्योंकि मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि अब अपडेट आएगा, तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं कि आज के इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से इंटरनेट को एक्टिवेट कर लेते हैं और अबाउट फोन में जाके इस अपडेट पर जाके यहाँ से वॉट्स न्यू में चले जाते हैं। वॉट्स न्यू में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ देखने को जाता है फिक्स थीम्स ऐप फोर्स क्लोज वैन क्लिक ऑन इम्पोर्ट बटन। तो ये क्या है, अगर हम ऐसे थीम बटन थीम्स ऐप पे जाएं और यहाँ पे जाएं माई थीम्स में, माई थीम में जाने के बाद अगर आप नीचे इम्पोर्ट बटन को देख पा रहे होंगे, तो अगर हम इस बटन को दबाएं तो जो एप्लीकेशन है वो फोर्स स्टॉप हो रही थी। तो मतलब हम थर्ड पार्टी थीम तो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर जो एप्लीकेशन थी ये फोर्स स्टॉप हो रही थी, जो अब इसे फिक्स कर दिया गया है। और बता दो, इससे पहले इस चीज से पहले वॉट्स न्यू में अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि आपका जो Xiaomi वाला असिस्टेंट है वो आपके डिफॉल्ट ऐप्स ओपन करेगा, जो हमें अभी नहीं देखने को मिलता है। Xiaomi वाला असिस्टेंट वो सिर्फ चाइना रॉम के लिए, इसमें गलती से लिख दिया था। तो जो अगली चीज में देखने को मिलती है ब्राउजर के अंदर है फिक्स कैनॉट ब्राउज वेबसाइट बाय क्रोम। तो ये क्या है, अगर हम मी ब्राउजर में जाएं और यहाँ जाने के बाद हम मतलब सर्च करें क्रोम का कुछ वेबसाइट, तो वो क्रोम में ओपन नहीं करता था, वो जाके सीधा मी ब्राउजर में ही ओपन करता था। तो ये इसमें एक दिक्कत थी, बग था, फिक्स कर दिया गया है इसको। तो फ्रेंड्स, यही कुछ लिखा था आपके चेंज लॉग में। अब मैंने अलग से लिख के रखा हुआ है कि आपको क्या नया देखने को मिल जाता है। तो हमें पहली चीज हमें देखने को मिल जाती है न्यू डाटा यूसेज ऑप्शन इन सेटिंग्स। तो ये क्या है, अगर यहाँ से हम सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको कोई भी डाटा यूसेज का ऑप्शन पहले नहीं देखने को मिलता था, अब आपको यहाँ पे एक डाटा यूसेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ से तो हमें कुछ इस टाइप की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको बता रहा है कि आपको किस कौन सी चीज जो है वो कौन कितना डाटा यूज कर रही है। तो सिस्टम ऐप्स पर अगर हम क्लिक करें तो वो आपको दिखा रहा है कि आपकी यूट्यूब जो है 1.15 GB यूज कर रही है, और सिस्टम ऐप्स आपका कुल मिला के 1.30 GB यूज कर रहे हैं। तो एक अच्छा फीचर देते हैं Xiaomi ने, यूसी मिनी का बता रखा, मतलब जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उनका नंबर वन पे है और जो नहीं यूज कर रहे वो नन पे है। तो एक पा रहे होंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मतलब मंथली डेली वो सब दिखाएगा, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्ट कर देगा इसको। तो फ्रेंड्स, ये एक चीज है जो इसमें नई आई है इस अपडेट में। तो उसके बाद अगर हम जाएं अगली चीज देखने के लिए, तो अगर हम यहाँ से जाएं, और फ्रेंड्स अगली चीज में देखने में आती है मी म्यूजिक बग फिक्सेस। तो ये क्या है, अगर आप सेटिंग में जाएं और अपने जाएंगे आप सिस्टम अपडेटर में, तो वहां पे जाके आपको एक मी म्यूजिक का अपडेट देखने को मिल जाएगा। मैंने कर लिया इसलिए अपडेट तो मेरे को नहीं दिखेगा, वो आपने नहीं किया होगा इसलिए आप लोगों को दिखेगा। तो आप जब उस अपडेट को कर लेंगे तो अगर आप न्यू म्यूजिक में जाएंगे तो वहां पे जाके आपको कुछ बग्स देखने को मिल जाते थे ऑनलाइन म्यूजिक के अंदर, तो वहां पे म्यूजिक जो है वो फोर स्टॉप हो रहा था, चल नहीं रहा था, कोई दिक्कत आ रही थी, तो उस चीज को फिक्स कर दिया गया है Xiaomi ने, इसलिए तब जब तो Xiaomi। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड चीज। बात करें अपनी थर्ड चीज की, तो वो क्या है, मी वीडियो है नाउ यूट्यूब कंटेंट। तो ये क्या चीज है, तो पहले जो मी वीडियो थी उसमें आपको कोई मतलब यूट्यूब का कंटेंट देखने को नहीं मिलता है, पर अब आप मी वीडियो में यूट्यूब का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे अपलोड करते हैं, पर अपलोड कर सकते हैं आप। अगर यहाँ से ऊपर ऑनलाइन कंटेंट के लिए स्वाइप करेंगे, फ्रेंड्स अभी काली स्क्रीन क्यों आ रही है, ओ चलो फ्रेंड्स मैं एक बार झाड़ू मार लूं इसको, फिर देखते हैं क्या पता ना है, पता नहीं फ्रेंड्स काली स्क्रीन आ रही है, वैसे तो चल रहा था पहले। फ्रेंड्स, पर बात क्या है, अगर इसमें हम ऑनलाइन कंटेंट मतलब अब कोई भी अगर चीज़ आप खोलेंगे अपने मी वीडियो में तो वो आपको यूट्यूब पर डायरेक्टली ले जाएगी, मतलब यूट्यूब का कंटेंट आपको शो करेगी वो मी वीडियो के अंदर। तो ये एक चीज है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है, सॉरी हमें नोट्स में जाना होगा ना, उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है कि न्यू ऐप कॉल गेम सेंटर हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो ये क्या चीज है, अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया होगा, आपने बिल्कुल एंड में जाकर देखा होगा आपके ऐप्स के आगे, तो आपको एक नया ऐप देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है गेम सेंटर। तो ये क्या है, अगर आप इस ऐप को क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐप स्टोर खोल देगा जिसमें सिर्फ आपको गेम्स दिखेंगे। आप देख सकते होंगे यहाँ पे आपको सारे टाइप की गेम्स देखने को मिल जाती है, आप यहाँ से गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और ऑफलाइन गेम्स अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो दिखाएगा जस्ट अ सेकेंड, और पता नहीं कब तक होगा ये। फ्रेंड्स, मेरा इंटरनेट भी स्लो है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, मतलब इससे आप अपनी गेम खेल सकते हैं, और अच्छी अच्छी गेम्स आप डाउनलोड करके ऑफलाइन गेम भी आप गेम मोड के थ्रू खेल सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी कैटेगरी आपको देखने को
मिल जाती है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है Redmi 3S फ्लिप स्क्रीन। तो ये क्या है, अगर आपके, मेरे को नहीं पता कि Redmi 3S में आया है अपडेट या नहीं आया, क्योंकि मेरे फ्रेंड है उसके फोन में आया है अपडेट, तो मुझे नहीं पता बाकियों में मिला है या नहीं। मेरे फ्रेंड के फोन में मिला है अपडेट, तो उसमें स्प्लिट स्क्रीन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन में यहाँ पे जाएंगे तो देख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आता है, तो पहले ये Redmi के सिर्फ मतलब Redmi 3, Redmi Note 3 और Redmi 3S में नहीं आता था। अब आपको Redmi 3S में देखने को मिल जाता है, Redmi Note 3 में पिछले अपडेट को मिल गया था। तो फ्रेंड्स ये अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम जाए अगली चीज पे, तो वो क्या है, अगेन स्वाइप अप टू गेट गूगल। ये क्या है, अगर आपने पिछले अपडेट में गौर किया होगा, तो अगर हम यहाँ से स्वाइप अप करते थे तो हमें यहाँ पे मी ब्राउजर खुल जाता था। अब इसके फिक्र, अब वापस से गूगल वाला सिस्टम करते हैं, अगर हम यहाँ से ऊपर से स्वाइप करेंगे तो हम यहाँ पे खोल जाएंगे अपना गूगल को, ना कि मी ब्राउजर को। पर यहाँ पे अगर हम जाके गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मी ब्राउजर ही खुलेगा वो दिखेगा। तो ये भी इसको शाओमी आप ठीक कर दो, ताकि हमें यहाँ से भी गूगल ही चाहिए। नहीं, मी ब्राउजर भी ठीक है, मतलब आप सिस्टम अगर आ जाए ना कि हम कौन सा ब्राउजर यूज करना चाहते हैं इसको दबा के, तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है न्यू टाइमिंग फॉर DND मोड। तो ये क्या है, अगर हम इस बटन को दबाएंगे, और यहाँ पे हम DSM DND ऑन कर रखा है, मैं यहाँ से ऑफ करूँ, इसे ऑन करूँ, तब देख पा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ 2 आवर्स तब तक था पहले, अब यहाँ पे 8 आवर्स का कर दिया गया है। मुझे नहीं पता ये नया है या पुराना है, मेरे को ये नया लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ देख सकते हैं नया ऑप्शन भी आया शेड्यूल टाइमिंग का, तो ये भी एक नया ऑप्शन है जिससे आप शेड्यूल टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में आपका DND मोड जो है वो ऑन होना चाहिए और कितने टाइम में आपका DND मोड जो है ऑफ होना चाहिए। पर 8 आवर्स वाला जो DND मोड वाला ऑप्शन है वो काफी अच्छी चीज है। तो फ्रेंड्स अगली चीज मेरे को मिल जाती है बग इन रिसेंट एप्स। तो ये क्या चीज है फ्रेंड्स, अभी बग नहीं आ रहा, थोड़े टाइम पहले मेरे को कुछ अजीब सा बग आ रहा था रिसेंट एप्स के अंदर अंदर। तो ये क्या चीज है, अगर यहाँ से हम रिसेंट में जाएंगे और हम यहाँ से बहुत सारे एप्स भर देंगे, ऐप जैसे मैंने यहाँ पे ये खोल दिया, ये खोल दिया, ये खोल दिया, ये खोल दिया, तो उसके बाद हमने ये मी ड्रॉप खोल दिया, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऐप्स खुल गए। ठीक है, तो अगर हम इसे हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, इसे हटाने के बाद हट गया, तो हम यहाँ से बंद करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोबारा वो ऐप्स आ गए। तो फ्रेंड्स ये बग आ रहा है, बहुत अजीब सा बग है, हमने यहाँ से ऐप्स हटा दिए, ऐप एक तरह से लॉक हो गए हैं, और ऐप हटाने के बाद भी ये दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो तब जाएंगे तब हमें नहीं दिखेगा, मतलब ये क्या चीज है, मतलब क्या शाओमी तुम क्या पागल करना चाहते हो हमें, और ये क्यों दे दिया बग, तुम जब बताया था कि मेरा लास्ट अपडेट है ये, फिर बग दे दिया तुमने, दिमाग खराब कर रखा है। तो फ्रेंड्स यही था कुछ आया था आज के अपडेट में, और यही कुछ आया था आज के अपडेट में बस, और क्या आया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना वीडियो को, और मैं आपको निराश मत होना अगर आपके फोन में अपडेट नहीं आया, कल तक आ जाएगा शायद से, क्योंकि मेरे को भी आज ही आज मिला है अपडेट, और मेरे को पता भी शाम को चला, क्या पता शाम को ये अपडेट आया हो। तो एक सब्सक्राइबर है उसने मेरे को बताया, तो मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को लिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए न्यू संबंधित वीडियो टेक्नोलॉजी गेमिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रीमिंग करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और या प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि इस बार को 500 सब्सक्राइबर्स, देखते कब तक कंप्लीट हो पाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज कर दो, प्लीज तुम सब्सक्राइब कर दो प्यार, प्लीज थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नई और साइड से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स एक चीज बताना मैं भूल गया था, तो मैंने मतलब सारा आउटरो करने के बाद बोला, तो फ्रेंड्स क्या चीज आई है सबसे गंदी चीज इस अपडेट की मेरे को लग रही है, अगर आप जाएंगे किसी भी चीज को अप्लाई करेंगे अपनी डिफॉल्ट वाली, और आप यहाँ से लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, तो लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद आपको जो घड़ी है यहाँ की वो आपको कुछ ऐसी देखने मिलेगी, मतलब आपको घड़ी बीच में देखने को मिल जाएगी, कितनी गंदी बात है। शाओमी की पहचान वहीं से थी कि आपकी जो घड़ी होती है वो साइड में होती है, पर उन्होंने पहचान का सत्यानाश कर दिया और घड़ी को बीच में कर दिया, मेरे को बेकार लगा ये सिस्टम। प्लीज शाओमी वापस लाओ असली वाली घड़ी को, जो काफी अच्छी लगती है देखने में, इसे मतलब इसे वापस कर दो, ये बिल्कुल बेकार लग रही है, मेरा दिमाग खराब कर दिया शाओमी, तुमने पागल कर रखा हुआ है। अब दे अब फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें आपको वॉलपेपर कर्सर का ऑप्शन भी आपको ऊपर देखने को मिलता है, आपको साइड में जाकर आपको देखना पड़ेगा ये क्या है भाई, शाओमी तुमने क्या करा है इस अपडेट में। तो फ्रेंड यही बताना चाहता था आखिरी चीज, और आपको वीडियो तो लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और चलो ठीक है फिर बाय।